दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो लोग टैटू करवाते हैं उनको मना क्यों करा जाता है कि आप ब्लड डोनेट ना करो, या वो खुद ही ब्लड डोनेट नहीं करते। ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे कि उनको मना करा जाता है या वो खुद डोनेट ब्लड नहीं करते, ठीक है? तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे। जो लोग टैटू करवाते हैं वो ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड डोनेटेड बाय सच पीपल कैरीज द रिस्क स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड इन रेयर केसेस एचआईवी एंड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन थ्रू अनसैनिटरी नीडल यूज फॉर टैटूज एंड बॉडी पियर्सिस, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टैटू वाले लोग होते हैं, जो टैटू करवाते हैं अपने बॉडी पे, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन होने के, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया नीडल के थ्रू, अनसैनिटरी नीडल, वो जो इन्फेक्टेड निडल है, अगर उसी निडल से हम किसी और का टैटू करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी जैसे इन्फेक्शन होने के, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि ब्लड डोनेटेड बाय सच पीपल कैरीज द रिस्क, इसलिए ब्लड डोनेट नहीं करते, या इनको मना करा जाता है। अब ये जो डिजीज मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, ये फैलते कैसे हैं, ठीक है? ये फैलते हैं टैटूज के थ्रू। अब टैटूज के थ्रू ये कैसे फैलते हैं, जैसे यहाँ पे दो कस्टमर है, जैसे एक शॉप है, ठीक है, वहाँ पे दो कस्टमर आए। पहला कस्टमर है जो कि एचआईवी वायरस, उसकी बॉडी में एचआईवी वायरस है, यानी कि इसको एड्स है। अब नीडल से क्या करेंगे, उसको टैटू करेंगे, ठीक है? जो भी टैटू करने वाला बंदा है वो उसको टैटू करेगा, टैटू बनाएगा उसकी बॉडी पे, ठीक है? तो वो टैटू वाला बंदा क्या करेगा, टैटू बनाएगा उसके स्किन के ऊपर, ठीक है? वो क्या करेगा, उसकी बॉडी के अंदर उस नीडल को इंजेक्ट करेगा। तो जो नीडल है वो ब्लड कैपिलरीज तक जाती है, ठीक है? ब्लड कैपिलरीज तक जाती है, यानी कि ब्लड में जाती है, यानी कि उस नीडल में जो ब्लड है वो भी टच हो रहा है, ठीक है? अब वो ब्लड में क्या है, उस ब्लड में एचआईवी वायरस है। क्या है, एचआईवी वायरस है। अब जब वही नीडल हम एक हेल्दी, यानी कि कस्टमर टू के लिए भी यूज़ करेंगे, यानी कि जो नीडल हमने कस्टमर वन के लिए यूज़ करा जो कि एक एचआईवी वायरस था, वही निडल से अगर हम कस्टमर टू का टैटू भी करेंगे तो वो जो एचआईवी वायरस है वो उसकी बॉडी में भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ब्लड के थ्रू, ठीक है? एज सिंपल इज दैट। तो ऐसे ये डिजीज टैटूज के थ्रू फैलते हैं, इसलिए इन केसेस में बोला जाता है जो टैटूड पीपल होते हैं उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, या उनको मना कर दिया जाता है कि आप ब्लड डोनेट मत करो। और अगर वीडियो आपको किसी भी एंगल से इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।